मैं पप्पू कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल पाइप फिटर जंक्शन में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे मतलब पाइप फिटर्स लाइन में सबसे पहला स्टेप टेप देखना है, यानी मेजरिंग टेप देखना। उसमें हम कैसे एमएम देखेंगे, कैसे मीटर देखेंगे, एक एक इंच में कितना एमएम होता है, एक 100 यानी 100 एमएम में कितना इंच होता है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पर डे एक बाई एक करके अगर ऐसा सीख रहे हैं, टेप देखना सीखें, एल्बो का सेंटर निकालना सीखें, पाइप का ओडी आईडी अगर देखना सीखें, तो आप 21 डे में आप अच्छा एक फिटर बन सकते हो। 25 से 30 हज़ार रुपये आप किसी भी कंपनी में कमा सकते हो, जैसे कि एलएनटी हुआ, ऑनशोर ऑफशोर, या टाटा हुआ, या रिलायंस हुआ, बहुत सारे वी एंड आर वगैरह, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिसमें आप इंटरव्यू देकर आप अपना फिटर जॉब ले सकते हो, अच्छा सैलरी कमा सकते हो। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ टेप देखने के लिए, मतलब टेप कैसे देखें और उसको कैसे सीखें। ये देखिए दोस्त, ये जो है जो कि आपका ये मेजरिंग टेप है 5 मीटर्स, ये 5 मीटर का टेप है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ टेप खोलकर। ये टेप रहा, इसमें ये जो है आपका ऊपर वाला हिस्सा है, टेप के ऊपर वाला जो हिस्सा है ये 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 5 6 7 8 9 10, यानी ऊपर का जो भी दूरियां है अक्षर में जो भी बताया जा रहा है 2 4 5 6, ये सब इसको इंच कहते हैं, ये इंच आया। ये नीचे का जो है, ये जो है छोटे छोटे जो है ये एमएम में आते हैं। तो पाइपलाइंस में जो है कि इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है इंच का, और ये जो है 198% इसका उपयोग होता है एमएम। दोस्तों, मैं इसके ज़रिए बता दूं कि पाइप कंस्ट्रक्शन लाइन जो होता है इसमें 98% एमएम का ही यूज़ किया जाता है, एमएम नहीं देखा जाता है। जैसे ये देखिए, ये जो रहा यानी इसके इसे ढका हुआ है, 10 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जहाँ पे 10 लिखा हुआ है रेड कलर का, यानी ये 100 हुआ, 100 एमएम, यानी 3 से 4 यानी 1 से 2 तक के बीच के जो दूरिया है वो 25 mm होता है, राइट। जैसे 1 इंच के सामने आएगा 25.4 mm, 1 इंच में आएगा आपका 25.4 mm। जैसे देखिए, ये आपका जो हो गया 6 और 7 के बीच में हम कैसे जानेंगे कि 10 mm है, तो छोटे वाले लकीर को गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 का जो बड़ा लकीर है ये दर्शा रहा है कि 5 mm का जो ये दूरियां हैं उसमें बड़ा लकीर है। ये देखिए दोस्तों, ये 5 mm का जो लकीर है ये बड़ा है, यानी 1 2 3 4 5, 5 पे बड़ा हो जाएगा, 6 7 8 9 10, यानी 7 पे आ गया, यानी यहाँ से यहाँ का बीच में 6 और 7 के बीच में 10 mm का दूरी होता है। जैसे आपको अब हम कैसे जानेंगे 10 mm रेड तक कितना आ रहा है, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यानी 100 mm, 100 mm हो गया। उसी तरह फिर यहाँ से 1 से ही शुरू होगा, जहाँ पे आपका ये, जैसे आपको बता दूँ कि यहाँ पे 20 हो गया रेड में, यानी 10 100 20 200, जैसे कि ये 30 300 हो गया, 40 400 हो गया, 50 500 हो गया, 60 600 हो गया, 70 हो गया 700, 80 हो गया 800, 90 हो गया 900, और 10 यानी 1 मीटर, 1000 को हम 1 मीटर कहते हैं। अब देखिए 100 यानी 100 हो गया, वहाँ पे 1000 ही बोलेंगे, राइट। इसी तरह ये अगर इसको निकालिएगा तो 20 10 15, ये देखिए 16 हो गया, 17 हो गया, 18 19, जहाँ 20 आ जाएगा यानी 200 आ गया, वो 2 मीटर हो गया। इसी तरह कीजिएगा तो 500 होगा, वहाँ 5 मीटर का हो जाएगा। एमएम का उपयोग ज़्यादा किया जाता है दोस्तों, इसलिए कहीं भी अगर हम नाप रहे हैं, जैसे मैंने बुक को नापने की कोशिश कर रहा हूँ आपका सामने दिखा दूँ, ये कितने का है, अब अंदाज़ा लगाइए 100 200, यानी 200 10 20 30 40 50 60, राइट, 60 यानी 60 mm, ये 61 है, 6 से 1 mm आगे है, देखिए यहाँ। तो ये हो गया हमारा टोटल, हो गया 261 mm, यानी 261 mm का ये हमारा बुक है, राइट।
जैसे इधर देखिए, इस मैप को ऐसे बता दूं, देखिए 332 यानी 330, यानी ये जो बुक हुआ आपका 260 260 into 332 mm का है।